हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस का एक और पोयम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। द सम ऑफ लाइफ, द सम ऑफ लाइफ के पोएट, अमेरिकन पोएट, जिनका नाम है एच डब्लू लॉन्ग फेलो, जिनका पूरा नाम है एच डब्लू लॉन्ग फेलो का पूरा नाम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो एक अमेरिकन पोएट जिन्होंने लिखा द सम ऑफ लाइफ। तो स्टार्ट करने से पहले हम राइटर पोएट एच डब्लू लॉन्ग फेलो के बारे में जानते हैं कि एच डब्लू लॉन्ग फेलो कौन? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो वॉज एन अमेरिकन पोएट। ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो एक अमेरिकन कवि थे, वह बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ही वर्क एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषाओं के शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। ऑफ वॉइसेस ऑफ नाइट वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश इन 1839। 1839 में उनके कविताओं का पहला संग्रह, जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ नाइट, प्रकाशित हुआ। इट इंक्लूडेड द सम ऑफ लाइफ, और उसी कलेक्शन ऑफ पोएम्स में ये हमारी कविता द सम ऑफ लाइफ शामिल थी। हिज अदर वर्क्स वेर, उनकी जो अन्य रचनाएं थी, अन्य किताबें, अन्य पुस्तकें जो उन्होंने लिखा, पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट्स, वेलफ्राई ऑफ ब्रजेस, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा। ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो का हिस्ट्री रहा। एक अमेरिकी कवि के रूप में उन्होंने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने रचना किया, कंपोज किया, और हमारे सिलेबस में उन्हीं का एक कविता द सम ऑफ लाइफ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले द सम ऑफ लाइफ पोयम का सेंट्रल आइडिया। तो अब आगे देखते हैं इस पोयम का, द सम ऑफ लाइफ का सेंट्रल आइडिया। द सम ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जीवन गाथा, जीवन का उद्देश्य, जीवन के गीत। कई अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसी को लेकर के ये कविता एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो ने लिखा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द सम ऑफ लाइफ इज दैट लाइफ इज रियल एंड सीरियस, सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड इन जॉय और सॉरो। इन आवर लाइफ वी शुड बी करेजियस। आवर मेन ड्यूटी इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड रेडी टू फेस एवरी डिफिकल्टी। वी शुड लर्न टू लेबर एंड वेट फॉर द रिजल्ट। आवर लाइफ शुड इंस्पायर अदर्स टू बी ब्रेव। मतलब लाइफ इज रियल एंड सीरियस का मतलब क्या हुआ, जीवन वास्तविक और गंभीर है, इसलिए इसे आनंद या दुख में बर्बाद नहीं करना चाहिए, आनंद और दुख के पीछे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन आवर लाइफ वी शुड बी करेजियस, अपने जीवन में हमें साहसी होना चाहिए। आवर मेन ड्यूटी इज टू वर्क हार्ड, हमारा मुख्य कर्तव्य है परिश्रम करना। एंड प्रोग्रेस डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन, दिन ब दिन उन्नति करना हमें। वी शुड लर्न टू लेबर एंड वेट फॉर द रिजल्ट, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करना भी, अर्थात हमें परिश्रम करके उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना सीखना चाहिए। आवर लाइफ शुड इंस्पायर अदर्स टू बी ब्रेव, हमारा जीवन दूसरों को प्रेरित करने वाला होना चाहिए, टू बी ब्रेव, बहादुर होने के लिए, अर्थात हमारा जीवन ऐसा हो कि दूसरे लोग बहादुर हों हमें देख करके। ऐसी कामना के साथ एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने लिखा द सम ऑफ लाइफ। और अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं द सम ऑफ लाइफ का। स्टार्टिंग का स्टेंजा है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट इट अर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ये पहला 4 लाइन। लाइफ इज रियल, रियल मतलब होता है सच्चा, अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर, जीवन सच्चा होता है, जीवन गंभीर होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव मतलब होता है कब्र, अर्थात
कब्र का मतलब क्या हुआ, मरने के बाद लोगों को कब्र मिलता है, इज नॉट इट्स गोल, गोल मतलब होता है लक्ष्य, और इस जीवन का लक्ष्य कब्र को प्राप्त करना, अर्थात मर जाना ही इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि हमने धरती पर जन्म लिया तो मरना ही है, मरना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, कण, मिट्टी। तो कह रहा है कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन मतलब नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल मतलब आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है कि डस्ट दाउ आर्ट, आर्ट मतलब होता है कला, कला मतलब, कला का मतलब हुआ निर्माण करना, ठीक है, कि आत्मा के बारे में यह नहीं कहा गया है कि तुम धूल मिट्टी, मिट्टी से ही तुम बने हो, एंड डस्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही रिटर्नेस्ट का मतलब मिल जाना, वापस हो जाना। आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है कि मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओ, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। अगला चार लाइन देखते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन इन डार वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार दर देन टूडे। तो नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो मतलब न तो आनंद एंजॉयमेंट, न ही दुख यानी कि सारो, न तो आनंद और न ही दुख प्राप्त करना इज आवर डेस्टिंड एंड। डेस्टिंड मतलब होता है प्री डिसाइडेड एम, पहले से निर्धारित लक्ष्य, एंड भी दिया है, आर वे भी दिया है। करा कि दुख प्राप्त करना या आनंद प्राप्त करना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं है, बट बल्कि टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि इस प्रकार से कार्य करना कि इच टुमारो हर आने वाला कल, हर आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, हमारा हर आने वाला कल आज की तुलना में फार्दर देन और बेहतर हो और उन्नतिशील हो, अर्थात बल्कि ऐसे कार्य करना है जिससे कि हमारा हर आने वाला कल आज से बेहतर हो। नेक्स्ट स्टेंजा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइवाक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइविंग कैटिल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ल्ड्स मतलब क्या हुआ, संसार के, ब्रॉड फील्ड मतलब विस्तृत क्षेत्र में, ऑफ बैटल मतलब युद्ध, संसार रूपी इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र के मैदान में, बी नॉट इन द बाइवाक ऑफ लाइफ, बाइवाक ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, बाइवाक मतलब होता है टेम्पोरेरी शेल्टर यानी कि अस्थाई पड़ाव, टेम्पोरेरी शेल्टर ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, जीवन के अस्थाई पड़ाव में, संसार रूपी इस युद्ध क्षेत्र के मैदान में, बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मतलब क्या हुआ, गूंगा, गूंगों के जैसे बी नॉट मत रहो। ड्राइविंग कैटिल, ड्राइविंग कैटिल का मतलब क्या हुआ, ड्राइविंग कैटल का मतलब छुट्टा पशु, मवेशी, पशुओं के जैसे मत रहो, अनियंत्रित पशुओं के जैसे मत रहो। आगे कह रहा है कि बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, संघर्ष के समय में, स्ट्राइफ मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष के समय में बी ए हीरो, एक बहादुर की भांति रहो, एक वीर नायक की भांति रहो। एक बार फिर देखते हैं इस 4 लाइन को, कह रहा है कि विश्व के इस विस्तृत युद्ध स्थल में अस्थाई पड़ाव, जीवन में इस अस्थाई पड़ाव के समय में, क्योंकि ये जो युद्ध क्षेत्र है जो हमको जीवन मिला है ये एक अस्थाई पड़ाव है, इसमें हमें गूंगा बन के और मवेशी पशुओं के जैसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, संघर्ष करने का समय आता है, तो हमें एक बहादुर की तरह, एक वीर नायक की तरह उसका सामना करने वाला होना चाहिए। अंतिम 4 लाइन में द सम ऑफ लाइफ में जीवन के उद्देश्य को बताते हुए एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो कहते हैं, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो आओ तब, लेट अस बी अप, आओ, बी अप का मतलब होता है ऊपर उठना, आगे आना, एंड डूइंग और करना।
कहते हैं तो हमें आगे उठ करके आगे आ करके काम में लग जाना चाहिए। विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, विथ ए हार्ट, हार्ट मतलब होता है मन, अर्थात मन से फॉर एनी फेट, चाहे भाग्य में कुछ भी हो, फेट मतलब होता है भाग्य, किसी भी भाग्य के लिए, चाहे हमारे भाग्य में कुछ भी हो, हमें आगे आकर के अपने काम में लग जाना चाहिए। वी स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल अचीविंग का मतलब हुआ लगातार, अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, लगातार प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग अनुसरण करते हुए, परिश्रम करने का अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट और उस परिश्रम के परिणाम की प्रतीक्षा करना भी। अर्थात कह रहा है कि अंतिम चार लाइन में, तो आओ आगे बढ़ो, हमारे भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, मन से आगे आओ और आगे बढ़ो, अनुसरण करते हुए, या साथ में कह रहा है कि अचीविंग मतलब लगातार, कह रहा है कि परिश्रम करते हुए, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना सीखें और परिश्रम के फल का इंतजार करना सीखें। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोयम द सम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारा जीवन जो होना चाहिए वो अविस्मरणीय होना चाहिए। अविस्मरणीय का मतलब क्या हुआ, ये कि हमें बहादुर की तरह आगे, लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो भी हमारे सामने डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए। तो इस तरह से ये द सम ऑफ लाइफ पोयम मेरे प्यारे बच्चों आज समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।